आप सक्सेस मंत्र तो आज हम इकोनॉमी से रिलेटेड टेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं और जैसे कि आप हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था हमारे क्वेश्चंस में आपके कुछ पोर्शन करंट अफेयर से रिलेटेड होगा जो हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स हम देखते हैं दैट इज डायनामिक पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक्स और कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट होगा जो कि आपका स्टैटिक पोर्शन है अब करंट अफेयर्स को समझने के लिए भी हमें क्या है इकोनॉमिक्स के बेसिक्स पता होने चाहिए उसके स्टैटिक पोर्शन का हमें नॉलेज होना चाहिए सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी हम धीरे धीरे रिवाइज करेंगे और प्लस साथ में इसके जो करंट अफेयर्स पे इम्प्लीमेंटेशन है वो भी हम देखेंगे तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो भी हम डिस्कस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से उससे पहले आप ये अपना शेड्यूल देख सकते हैं जो हमारा डिफरेंट डिफरेंट डेज पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स से रिलेटेड हम एम डिस्कस करते हैं तो ये डेली एम आपके दो टू पी पे डिस्कस होते हैं ऐसे डेली करंट अफेयर इशू आपका ट्वेल्व पी पे और डेली करंट अफेयर्स जो है आप देखते हैं सुबह सवा बजे तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स से ये सीख सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डब्ल्यू टी ओज एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर तो ये WTO हमने लास्ट सेशन में भी किया था तो वैसे ही आप डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या है उसके बारे में आपको आपको पे स्टेटमेंट्स गिवन दी है मार्क करना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है तो फर्स्ट में आपका है इट एंटर्ड इन टू फोर्स विद्लिशमेंट ऑफ डब्ल्यू टीओ इनटीन नाइन फाइव सेकेंड है इट इज एम्ड टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स एंड टू प्रमोट ट्रांसपेरेंट मार्केट एक्सेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल मार्केट्स तो विच ऑफ द दब स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट आपको बताना है वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू या नाइद वन एंड टू तो वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं अब हम स्टेटमेंट वाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपकी पूछी गई है वो आपकी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के बारे में है कि क्या वो डब्ल्यू टी ओ के साथ 1995 पे बना था तो डब्ल्यू टी ओ से पहले कौन सी बॉडी थी 1995 से पहले ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे ठीक है जी तो यहाँ पे आपका uh, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है वो फोर्स में आया था आपका डब्ल्यू टी ओ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही नाइन्टीन में फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है सेकेंड आपकी है इट इज एम्ड टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स या फिर प्रमोट ट्रांसपेरेंट मार्केट एक्सेस या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल मार्केट्स तो क्या इसका एम ये है तो बेसिकली बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है अगर आपने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ऐसे भी न्यूज में आता रहता है तो उसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखी हो तो भी आपको ये दो पॉइंट्स पता होंगे तो सेकेंड भी बिल्कुल करेक्ट है इसका एम यही है तो आंसर आपका है सी बोथ वन एंड टू आर करेक्ट तो यहाँ पे देखते हैं डब्ल्यू का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या है एक इंटरनेशनल ट्रीटी है ठीक है अब ये ट्रीटी है उरुगे राउंड में आपकी नेगोशिएट हुई थी अंडर जनरल एग्रीमेंट ऑन एंड ट्रेड तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है WTO को पहले गैट कहा जाता था जनरल अग्रीमेंट ऑन टेरिप्स एंड ट्रेड अब ये आया था आपका फर्स्ट जनवरी 1995 में इनटू फोर्स तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट थी आपकी सेकंड आपका एम भी बिल्कुल है कि करेक्ट है रिमूव ट्रेड बैरियर्स के लिए हुआ था और ट्रांसपेरेंट मार्केट एक्सेस पाने के लिए हुआ था अब डब्ल्यूटीओ की कौन सी बॉडी है जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखती है तो एग्रीकल्चर कमेटी जो डब्ल्यू की है वो आपकी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जिसको एओ ए भी लिखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन को ये ओवरकम कर दिया ये आपकी थर्ड स्टेटमेंट की तरह भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में तो आपको ये पता होना चाहिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट यहाँ पे है अनएम्प्लॉयमेंट रेट हेल्प्स इन गिविंग अ मेजर ऑफ दोज who are willing to take on jobs but are not employed second है लेबर पार्टिसिपेशन रेट हेल्प्स मेजर द सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज willing to take on jobs व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट ऑप्शंस आपके सामने गिवन है आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर कर सकते हैं तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से सबसे पहले आपका अनइंप्लॉयमेंट रेट के बारे में ये पूछा गया है कि अनइंप्लॉयमेंट रेट किसे कहते हैं अब यहाँ से हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयड की डेफिनेशन क्या है एक इंसान जो सीकिंग वर्क काम ढूंढ रहा है पर किसी वजह से उसको मिल नहीं पा रहा है उसे हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे बट जो कोई इंसान जो काम करना ही नहीं चाहता है ठीक है वो ना ही तो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहा है और ना ही अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिले तो वो काम करेगा उसको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहते हैं तो यहाँ पे आपसे वही पूछा गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आपका क्या मेजर करता है कि लोग जो विलिंग टू टेक ऑन जॉब्स पर अभी एम्प्लॉयड नहीं है ठीक है एट प्रेजेंट किस कुछ भी रीजन हो सकता है जैसे कि आप लोग अभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप एग्जाम क्लियर हो जाए तो आप इम्प्लॉयड होने के लिए तैयार है काम करने के लिए तैयार है बट अभी क्योंकि नहीं क्लियर हो रहा तो अभी आप अनएम्प्लॉयड है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट आपका है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है तो यहाँ पे जो आपकी सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन काम करना चाहती है इरेस्पेक्टिव कि अभी उनके पास एट प्रेजेंट काम है या नहीं है ये हम यहाँ नहीं देख रहे बस जो काम करना चाहते हैं चाहे वो एम्प्लॉयड हो चाहे वो अभी अनएम्प्लॉयड हो वो आपके इसमें आते हैं तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपकी आंसर है सी बोथ वन एंड टू तो यहाँ पे हमने देखा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का जो भी काम करने के लिए तैयार है और अनएम्प्लॉयमेंट इसी का सबसेट है जहाँ पे काम करने के लिए तैयार है बट एट प्रेजेंट अभी एम्प्लॉयड नहीं है नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन एग्रीगेट डिमांड के बारे में है एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग द पब्लिक इन्वेस्टमेंट सेकेंड इंक्रीजिंग टैक्स रेट ऑन पर्सनल इनकम थर्ड लोअरिंग इंटरेस्ट रेट ऑन कंज्यूमर लोन्स तो यहाँ पे आपके ऑप्शन uh, गिवन है आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में तो यहाँ पे अग्री गेट uh, डिमांड जो है आपकी मतलब टोटल डिमांड है इकोनॉमी की उसके बारे में ये क्वेश्चन है अब आपको बताना है कि डिमांड किस किस फैक्टर से इंक्रीज हो सकती है तो पहला आपका है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट अगर हम इंक्रीज करते हैं ठीक है तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा खर्च करेंगे तो आपकी डिमांड बढ़ेगी नेक्स्ट है इंक्रीजिंग टैक्स रेट ऑन पर्सनल इनकम तो अगर आपकी जो लिमिटेड इनकम है मतलब महीने में आपके पास हजार रुपये बचते हैं तो अगर उन हजार रुपये में से भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है तो वो फिर आपकी जो है डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि पहले आप हजार रुपये की शॉपिंग करने वाले थे लेकिन अब आपको हजार रुपये में से पाँच सौ रुपये टैक्स भरना पड़ रहा है तो अब आपके पास पाँच सौ रुपये ही रह गए शॉपिंग करने को तो मे बी आप उसकी शॉपिंग करें ना करें करें भी तो भी आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो चुकी है तो इसको कहते हैं आपकी इंक्रीजिंग टैक्स ऑन पर्सनल इनकम इससे अग्रीगेट डाउन डिक्रीज होती है ठीक है फर्स्ट वाले से इंक्रीज हो रही है सेकंड वाले से डिक्रीज हो रही है थर्ड वाले से लोअरिंग इंटरेस्ट रेट अब इंटरेस्ट रेट आपको बैंक पहले 5% इंटरेस्ट रेट आपका लेता था अब उन्होंने 4% कर दिया है ठीक है फॉर एग्जांपल तो ये आ, अब ज्यादा लोग लोन लेंगे लोन लेंगे लोगों के हाथ में पैसा आएगा पैसा आएगा तो वो उससे कुछ खरीदेंगे पैसे से ठीक है कुछ खरीदने के लिए उन्होंने लोन लिया होगा तो मतलब एग्रीगेट डिमांड अब डिमांड किसी भी फील्ड में हो सकती है इसीलिए यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कहा गया है तो वो इंक्रीज होगी तो यहाँ पे भी इस केस में भी इंक्रीज होगी तो आपका आंसर है वन एंड थ्री ओनली तो इसका आंसर है बी सेकेंड इनकरेक्ट है तो अग्रीगेट डिमांड क्या है टोटल डिमांड जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं हमारी इकोनॉमी में एट अ गिवन टाइम तो टोटल है ठीक है टोटल ओवरऑल नेक्स्ट है आपका इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट या फिर इंटरेस्ट रेट कम कर देने से आपकी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाती है डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है जो इनकम आपके हैंड में लास्ट में बचती है सारे खर्चे करने के बाद जिसको आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल इजिएस्ट एग्जाम्पल है कि आप कुछ शॉपिंग करेंगे उससे तो अब ये जो डिस्पोजेबल इनकम है ये आपकी कम हो जाएगी इन केस ऑफ टैक्स पेमेंट तो टैक्स पे करना होगा तो आपकी अग्रीगेट डिमांड भी इससे रिड्यूस होगी तो ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है इसीलिए हमें बेसिक्स पता होने जरूरी है तभी हम ये को रिलेशन बनाने में जो है वो कामयाब रहेंगे इन क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट फाइव ईयर प्लान तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान चूज हेवी इंडस्ट्री एज प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमी सेकेंड आपका है द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन दैट इज यूजीसी जो हम अभी भी देखते हैं वाज सेट अप एट द एंड ऑफ द प्लान पीरियड थर्ड आपका है द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान वाज फॉलोड बाय बॉम्बे प्लान व्हिच बिकेम द बेसिस ऑफ सेकेंड फाइव ईयर प्लान तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट रिसोर्ट इज और करेक्ट आपको बताना है यहां पे आपके ऑप्शन गिवन है वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के बारे में ये स्टेटमेंट्स है तो आपने देखा होगा हमारी प्लान इंडिपेंडेंस के बाद प्लानिंग कमीशन थी प्लानिंग कमीशन थी उसको क्या है डिसकॉन्टिन्यू कर दिया गया था और अब 2014 से आपकी नीति आयोग है और नीति आयोग के आने के बाद आपके जो ये फाइव ईयर प्लान्स हैं इसका कॉन्सेप्ट भी आपका डिस्कॉन्टिन्यू कर दिया गया है तो टोटल आपके पास बारह फाइव ईयर प्लान्स हैं ठीक है जो कि इम्पोर्टेंट है अब इन प्लान्स के क्या एम थे क्या ऑब्जेक्टिव थे क्या स्लोगन थे ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है और हमारी एनसीआरटीज में भी मैंशन है ठीक है तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है काफी सिंपल स्टेटमेंट है अगर आपने रीड किया हो तो आपको पता होगा फर्स्ट फाइव ईयर प्लान ने हेवी इंडस्ट्री को नहीं एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स जो है वो चूज किया था इसलिए ये इनकरेक्ट है आपकी सेकंड आपकी है यूजीसी है वो एट द एंड ऑफ दिस प्लान पीरियड सेटअप हो गया था बिल्कुल करेक्ट है थर्ड आपकी है फर्स्ट फाइव ईयर प्लान है उसको उससे बॉम्बे प्लान उसके बाद आया था जिसको सेकंड फाइव ईयर प्लान भी कहते हैं तो ये इनकरेक्ट है बॉम्बे प्लान आपका कुछ और ही है वो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर एरा के बाद आया था 1944 45 में तो ये आपकी इनकरेक्ट है तो आपका करेक्ट ऑप्शन है टू ओनली तो इसका आंसर है आपका बी तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान आपका कब लॉन्च हुआ था इंपॉर्टेंट है 1951 में ठीक है मेन फोकस का प्राइमरी सेक्टर पे था दैट इज एग्रीकल्चर फिर आपका सेकंड फाइव ईयर प्लान है उसने हेवी इंडस्ट्रीज को चूज किया था प्राइम मूविंग फोर्स जो कि हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में पढ़ा ठीक है जी अब नेक्स्ट आपका है कि यूजीसी जो है वो बनाया गया था ताकि जो फंडिंग है और मेजर्स है हायर एजुकेशन में उसको स्ट्रेंथन कर सके ठीक है अभी भी हम देखते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हायर एजुकेशन से रिलेटेड है तो इसीलिए उस टाइम पे इसको बनाया गया था अब बॉम्बे प्लान है जैसे हमने डिस्कस किया वो कॉमनली नेम गिवन टू वर्ल्ड वॉर टू एरा सेट ऑफ प्रपोजल्स जो कि आपके पब्लिश हुए थे में. इसका सेकेंड ईयर प्लान से कोई लेना देना नहीं है नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है तो ये हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड है करंट अफेयर्स में आपने काफ़ी बारी सुना होगा सनराइज इंडस्ट्रीज तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सनराइज इंडस्ट्रीज तो वही आपसे यहाँ आप पूछा गया है अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि सनराइज इंडस्ट्रीज क्या होती है ठीक तो है तो ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है इंडस्ट्रीज का पार्ट है जीएसट्री का टॉपिक है तो यहाँ पे आपको इन एग्जांपल्स के थ्रू बताना है फर्स्ट आपका है हाइड्रोजन फ्यूल प्रोडक्शन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या फिर स्पेस टूरिज्म तो कौन सा एग्जाम्पल नहीं है आपका सनराइज इंडस्ट्री का तो आप वीडियो पॉज करके आंसर कर सकते हैं यहाँ पे आपका आंसर है सी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो अब देखते हैं सबसे पहले हम सनराइज इंडस्ट्री की डेफिनेशन सनराइज इंडस्ट्री क्या है वो इंडस्ट्रीज जो नई बनी है और कंपेरिटिवली उनकी ग्रोथ जो है वो फास्ट हो रही है ठीक है फास्ट ग्रोइंग न्यू इंडस्ट्रीज को सनराइजिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं और इनमें फ्यूचर में भी काफ़ी पोटेंशियल और स्कोप देखा जाता है तो ये डेफिनेशन है सनराइज इंडस्ट्रीज के अब इन ऑप्शन में आप देख सकते हैं तो न्यू और फास्ट ग्रोइंग से आप देखेंगे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो हमारी बहुत पुरानी है और वेल well स्टेब्लिश है तो न्यू नहीं है तो यहाँ पे ये एलिमिनेट हो जाती है बाकी सारी इंडस्ट्रीज जो है वो आपकी पुरानी है तो आंसर है आपका सी तो यहाँ पे सनराइज एक्सक्यूज सनराइज इंडस्ट्री की डेफिनेशन पहले दी गई है जैसे हमने डिस्कस किया सनराइज इंडस्ट्री इज वन दैट इज न्यू और रिलेटिवली न्यू ठीक है अब ऑटोमोबाइल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो बाकी तीनों इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री न्यू ही है नाम ही नए सुनने को मिल रहे हैं तो इज़ ग्रोइंग फास्ट एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू बिकम इम्पॉर्टेंट तो उनका जो फ्यूचर पोटेंशियल है वो भी काफ़ी है और एट प्रेजेंट भी वो उनकी ग्रोथ काफ़ी फास्ट है अब इसके एग्जाम्पल हम देख रहे हैं हाइड्रोजन फ्यूल प्रोडक्शन पेट्रोकेमिकल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारी स्पेस टूरिज़्म ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडियाज ठीक है तो जैसे अब हमारे ऑनलाइन सोर्सेज ऑफ एजुकेशन बढ़ गए हैं आपने विकीपीडिया की ग्रोथ को ही देखा होगा अभी कुछ भी हमें आ, सर्च करना होता है तो सबसे पहले विकीपीडिया सर्च में आता है तो ये भी आपका क्या है सनराइज इंडस्ट्री अब ऑटोमोबाइल हम देख रहे हैं काफी सालों से देख रहे हैं और वेल एस्टेब्लिश इंडस्ट्री है नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज बिलोंग्स टू द कॉटनरी एक्टिविटीज इन सर्विस सेक्टर ऑफ इकोनोमी तो अब आपकी हमने पढ़ा है प्राइमरी सेक्टर सेकंड सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्सरी सेक्टर है वैसे ही आपकी कॉर्टनरी सेक्टर है टर्सरी सेक्टर के बाद तो अब इनमें से कौन सी एक्टिविटीज आपकी टर्सरी सेक्टर इस कॉर्टनरी सेक्टर में आती है ये आपको बताना है ए मेडिकल टूरिज्म बी इन्फॉर्मेशन जनरेशन एंड शेयरिंग सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट या कंसल्टेंसी सर्विसेज तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको गिवन है आप लोग आंसर कर सकते हैं तो यहाँ पे आपकी क्वार्टनरी सर्विसेज क्या होती है आपको पता होना चाहिए अब आपकी प्राइमरी क्या होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेकेंडरी क्या है आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड टर्सरी सर्विसेज जो है आपका सर्विस सेक्टर है बैंकिंग हो गया इंश्योरेंस हो गया हेल्थ सर्विसेज एजुकेशन तो ये आपका टर्सरी आता है फिर आप कहते हैं कॉर्टनरी एक्टिविटीज तो यह आप आपका फोर्थ सेक्टर है अब इसमें क्या होता है आपका यहाँ पे आपका आंसर है टू थ्री एंड फोर आर करेक्ट मेडिकल टूरिज्म नहीं है आपका कॉटनरी एक्टिविटीज बाकी तीनों है तो करेक्ट आंसर है आपका सी तो देखते हैं कॉटनरी एक्टिविटीज क्या होती है वो इंडस्ट्रीज जो इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो ये ध्यान में रखना है इन्फॉर्मेशन सर्विसेज जैसे कि कंप्यूटिंग आईसीटी टी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी ठीक है जो एडवाइस देती है बिजनेसेस को रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे कि साइंटिफिक फील्ड में तो कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्विसेज से रिलेटेड एक्टिविटी हो वो आपकी क्वार्टनरी सेक्टर में आती है अब मेडिकल टूरिज्म जो है इसको हम सर्विस सेक्टर में मानते हैं यानी टर्शरी सेक्टर में मानते हैं ठीक जी तो मेडिकल टूरिज्म इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन हमारा है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रिमेन्सेडली हाई सेकंड है डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट इन्फ्लेशन रेट रिमेन्स अब जीरो पॉइंट्स है जो आपको ध्यान से पढ़ने हैं अब विच ऑफ़ द अब स्टेटमेंट इज राइट करेक्ट आपसे पूछा है ऑप्शन आपके सामने गिवन है तो आप आंसर लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट वाइज डिस्कस करते हैं तो ये जो आपके बेसिकली दोनों स्टेटमेंट्स है ये आपके इन्फ्लेशन टॉपिक से रिलेटेड है अब इन्फ्लेशन के ही टाइप्स काफ़ी हम देखने को हमें देखने को मिलते हैं अब स्टेग फ्लेशन जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है वैसे ही ये है अब इसमें क्या है आपको दो चीजें दी गई है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में फर्स्ट है कि इन्फ्लेशन का रेट हाई है और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपकी हाई है ठीक है दोनों हाई है तो ये आपका इनकरेक्ट है स्टेगफ्लेशन स्टेगनेंट इन्फ्लेशन, स्टेगनेंट क्या है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी हाई नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी स्टेगनेंट है और ऊपर से आपकी इन्फ्लेशन भी है तो इससे आपकी क्या अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है तो यहां पे आपका ये गलत है ठीक है तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी सेकंड आपकी है डिफ्लेशन अब डिफ्लेशन क्या है डिफ्लेशन की डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है कि डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उसको हम डिफ्लेशन कहते हैं अब इसमें क्या है इन्फ्लेशन रेट रिमेन्स अब जीरो कैसे अगर इन्फ्लेशन रेट जो आपका पॉजिटिव में होगा तो आपकी डिफ्लेशन कैसे होगी तो, तो आपकी इन्फ्लेशन होगी ना तो यहाँ पे बिलो जीरो है तो यहाँ भी ये इनकरेक्ट है इसलिए आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है आपकी करेक्ट दोनों ही नहीं है आंसर है डी नाइर वन नाइ और नॉट टू आर करेक्ट तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टेक में क्या है आपकी स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है रेलेटिवली हाई अनएम्प्लॉयमेंट है और इकोनॉमिक स्टेगनेशन जिसको हम कहते हैं ठीक है स्टेगनेंट है हमारी मतलब एक जगह पे रुकी हुई है तो इसके साथ क्या हो रहा है प्राइस लेवल आपके ज्यादा हो रहे हैं इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है तो इस टाइप की इन्फ्लेशन को बोलते हैं स्टेगफ्लेशन नेक्स्ट आपके है डिफ्लेशन डिफ्लेशन हमें पता है कि इन्फ्लेशन का ऑपोजिट है डिफ्लेशन और इसमें इन्फ्लेशन रेट बिलो जीरो जीरो परसेंट चला जाता है तो वहां पे अबव लिखा था इसलिए इनकरेक्ट था नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन हमारा है ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है यहाँ पे आपको स्ट्रेस्ड एसेट्स के बारे में बेसिकली पूछा गया है स्ट्रेस्ड एसेट इज अ पावरफुल इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ बैंकिंग सिस्टम इट इंक्लूड्स ए फर्स्ट आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स सेकेंड रीस्ट्रक्चर्ड लोन थर्ड आपका रिटर्न ऑफ एसेट्स तो आपके कोड गिवन है आप लोग आंसर देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में तो यहाँ पे आपका स्ट्रेस रेसिट किसे कहते हैं न्यूज़ में आपने ये तीनों ही टर्म्स आई एम श्योर सुनी होगी जब बैंकिंग से रिलेटेड हमारे स्कैम्स होते हैं ठीक है अब बैंक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कैसे है कौन है आपने देखा होगा न्यूज़ में नीरव मोदी ठीक है उन्होंने फ्रॉड किया था तो आपका बैंकिंग सेक्टर काफी लॉस में गया था और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफी हाई गए थे ऐसे ही विजय माल्या का केस देखा होगा ऐसे ही आपके फार्मर्स का केस देखा होगा कि फार्मर्स जो है लोन लेते हैं पर उनकी फसल उतनी नहीं हो पाती इसीलिए आपके क्या है वो लोन वापस नहीं चुका पाते तो वहां पर भी आपने ये सारी टर्म सुनी होगी तो अब ये डिस्कस करते हैं यहाँ पे इसका आंसर है स्ट्रेस्ट एसेट के अंदर ये तीनों ही आते हैं डी इसका आंसर है वन टू एंड थ्री तो सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट अब एसेट क्वालिटी क्या है सबसे पहले एसेट क्या है अब मैंने बैंक से लोन लिया तो मैं बैंक के लिए एसेट हूँ क्यों क्योंकि उसने मुझे लोन दिया है अब मैं हर महीने बैंक को इंस्टॉलमेंट वापस पे कर रही हूँ तो और विद इंटरेस्ट वापस कर रही हूँ तो बैंक के लिए मैं क्या हुई एक एसेट हुई बैंक से मैंने दस लाख लोन लिया है पर वापस मैं इंटरेस्ट के साथ उन्हें बारह तेरह चौदह लाख मतलब दस लाख से ज्यादा ही दूंगी जो इंटरेस्ट रेट है उस पर डिपेंड करता है तो इसीलिए मैं एसेट हूँ लेकिन जब मैंने लोन नहीं दे पाई वापस किसी भी वजह से ठीक है मान लो फ्रॉड हो गया या फिर मान लो मैं फार्मर हूँ और मेरी फसल ही खराब हो गई तो मानसून टाइप पे आया रीजन कोई भी हो सकता है तो मैं एसेट मैं परफॉर्म नहीं कर रही उसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट ठीक है तो ये हमारा एन पी एज है अब एन अकेला ही आपका स्ट्रेस एसेट या बैड एसेट क्वालिटी नहीं बता सकता बैंक की इसीलिए साथ में दो और क्लासिफिकेशन में दो और चीजें इंक्लूड की गई जो है रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स और रिटर्न ऑफ एसेट्स अब ये क्या होते हैं ये हम देखते हैं रीस्ट्रक्चर्ड लोन या एसेट में क्या है आपको Uh, जैसे मैं फार्मर का एग्जाम्पल ले लू मैं फार्मर हूँ तो मुझे एक्सटेंडेड रीपेमेंट पीरियड दे दिया जाता है कि अगर मैं दो साल में नहीं पे कर पाई तो कोई बात नहीं एक और साल ले लो दो और साल ले लो बट पे करो और मेरा जो इंटरेस्ट रेट है वो भी थोड़ा कम कर दिया जाएगा कि अगर आप चलो मान लो इतना चार परसेंट नहीं पे कर सकते तो आप ढाई परसेंट ही इंटरेस्ट रेट पे वापस पे कर दो तो इसे कहते हैं री लोन ठीक है loan, पहले जब लोन दिया था तो कुछ और शर्तें थी जब लोन वापस करने की अब लोन वापस करने की शर्तों को रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है 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 ताकि कुछ तो ठीक नेक्स्ट आपका आता रिटर्न ऑफ एसेट्स अब ये वो एसेट्स हैं जो बैंक और लेंडर काउंट ही नहीं करते कि मनी बोरोअर के पास ये है ठीक है तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो बैंक की वहां पे लिखा जाता है सिंपली रिटर्न ऑफ लोन्स ठीक है अब इसका मतलब है ये रिटर्न ऑफ इसलिए करते हैं कि किसी और मीन से ये पे हो चुके हैं चाहे आपकी गवर्नमेंट है वो वेवर देती है ठीक है वेवर देती है फार्मर्स को फॉर एग्जाम्पल तो वो रिटर्न ऑफ हो जाते हैं गवर्नमेंट पे करेगी या किसी भी कोई भी एसेट है कुछ गिरवी रखते हैं को पे रखते हैं वो आ, एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी ने ले लिया है वो बैंक से हो गया उसके थ्रू पे हो गया तो वहाँ पे आपका रिटर्न ऑफ लिख जा लिख दिया जाता है तो ये तीन टाइप की चीज़ें हैं जो स्ट्रेस्ड एसेट्स Uh, जो है बनाती है स्ट्रेस से डील करती है बैंकिंग सिस्टम के तो जब भी न्यूज में आप ये देखें तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत है निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स ऑफ़ ऑफन सीन इन न्यूज कैप्चर्स द मोमेंट इन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रैंकिंग ऑफ इंडिया बी बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया सी सॉवरन वेल्थ फंड ऑफ मेजर डेवलप्ड नेशन डी स्टॉक्स ऑफ मेजर इंडियन कंपनी ठीक तो है तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है निफ्टी 50 इंडेक्स हम काफ़ी देखते हैं तो ये अगर आपके ऑप्शंस भी है काफ़ी वेरिड है अगर किसी को बस इतना ही बताए कि स्टॉक से रिलेटेड है तो भी आप यहाँ पे डी मार्क कर सकते हैं स्टॉक्स ऑफ मेजर इंडियन कंपनीज तो आंसर है इसका डी अब यहाँ पे क्या है निफ्टी फिफ्टी है बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जो रिप्रेजेंट करता है क्या एवरेज वेट ऑफ फिफ्टी लार्जेस्ट इंडियन कंपनीज जैसे इसका नाम डिनोट कर रहा है निफ्टी फिफ्टी तो फिफ्टी लार्जेस्ट इंडियन कंपनीज है उनका ये एवरेज डिनोट कर रहा है कहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जो आपकी बॉम्बे में है ठीक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये स्टॉक मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है हमारी कंट्री में ठीक है जी तो नेक्स्ट आपका टेंथ लास्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अब यहाँ फर्स्ट है एन थ्रू अ फेज ऑफ हाई इन्फ्लेशन आर दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल फॉल सेकेंड आपकी है हाई इन्फ्लेशन कैन लोअर द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर थर्ड है आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी हैज डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन कंट्रोलिंग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तो विच ऑफ द अब स्टेटमेंट इज यार करेक्ट आप लोगों को इसमें बताना है अब ये पर्टिकुलर आपकी जो स्टेटमेंट्स है ये आपकी इन्फ्लेशन के रिलेशनशिप विद अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन का रिलेशनशिप विद परचेजिंग पावर और आर की जो मॉनेटरी पॉलिसी है जो आर मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है जैसे गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी बनाती है तो उसका रिलेशन आपका विद इन्फ्लेशन तो बेसिकली इन्फ्लेशन से और फैक्टर्स के क्या रिलेशन है वो यहाँ पे जानने की कोशिश आपसे की गई है तो स्टे आप लोग आंसर इसका कमेंट सेक्शन में मार्क कर सकते हैं वीडियो पॉज करके हम स्टेटमेंट वाइज डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बोला है जब एक इकोनॉमी ऐसे फेज से जाती है जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत हाई है मतलब महंगाई बहुत हाई है तो चांसेस है कि आपके अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो फॉल करेंगे मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो आपकी इम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी का क्या मतलब है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो बिल्कुल करेक्ट है कैसे बढ़ेगी अब मान लो कि एक फैक्ट्री है तो एक फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इसलिए उसकी महंगाई वो महंगा हो रहा है इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो अब फैक्ट्री क्या करेगी लालच में प्रोडक्शन और बढ़ा देगी क्योंकि प्राइस ज़्यादा है तो उससे तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रोडक्शन और बढ़ाने के लिए उसे और लोग इम्प्लॉय करने होंगे इसलिए वो और लोग इम्प्लॉय करेंगी तो थोड़े चांसेस है कि आपकी अनइंप्लॉयमेंट रेट कम होगी तो बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट

जहां पे पहले पांच ले पाता था तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट करता, rate, करता है इसके रिलेशनशिप्स जो है अब अलग अलग रेट्स uh, के बैंकिंग के ये हम पढ़ते हैं अपने बैंकिंग वाले सेक्शन में इकोनॉमिक्स में तो बेसिकली आप ये सोचिए कि इंटरेस्ट रेट को कम ज्यादा करता है और आपकी मार्केट से मनी जो है खींच लेता है जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि लोग जो है कम लोन लेंगे और इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो आपकी मार्केट में मनी इन्फ्यूज कर देगा क्योंकि लोग ज्यादा लोन लेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे ठीक है यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट गलत है क्योंकि अब लोअर इंटरेस्ट रेट अगर इंटरेस्ट रेट आपका लोअर होगा तो उससे आपके फ्यूल के प्राइस तो नहीं गिरेंगे ना लोग लोन लेना जो है वो ज़्यादा कर देंगे बट उसका फ्यूल के प्राइसेस से कोई लेना देना नहीं है तो यहाँ पे आपकी थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो सॉल्यूशन देखते हैं आंसर है आपका ए वन एंड टू ओनली तो हमने इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का ट्रेड ऑफ देख लिया कि कैसे इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो आपके एम्प्लॉयर्स जो हैं वो और लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अब हाई इन्फ्लेशन में हमने देखा परचेजिंग पावर कम होगी अब नेक्स्ट है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अब यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी है वो डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देती इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्योंकि एग्जांपल दिया है कि फ्यूल प्राइजेज जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को लोअर करने के लिए अपने इंटरेस्ट रेट को लो या हाई करके जो आपका आर की मॉनेटरी पॉलिसी है वो सिर्फ डिमांड इन द इकोनॉमी कंट्रोल कर सकती है तो जो आपको वहां पर डायरेक्ट वर्ड दिया था ठीक है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा आपकी आर बी आई की मॉनिटरी पॉलिसी का तो ये हमारे टेन क्वेश्चन थे जो इकोनॉमी से रिलेटेड थे और कुछ हमने करंट अफेयर्स के डिस्कस किए हैं कुछ हमने स्टैटिक पोर्शन के डिस्कस किए हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपके आउट ऑफ टेन कितने करेक्ट हैं प्लस ये है, हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स है कुछ पेड इनिशिएटिव्स है जो आप लोग अवेल कर सकते हैं ताकि आपकी तैयारी जो है स्टेप अप हो जाए अब हमारे फ्री एनसीआर कोर्सेज है जैसे आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स जो है वो आपके फ्री है और आपके प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक एग्जाम को समझने के लिए उसकी अप्रोच समझने के लिए तो ये जरूर अटेम्प्ट कीजिए आप लोग और बाकी पेड इनिशिएटिव्स भी आप देख रहे हैं कॉम्बो बैच चल रहा है एप्टीट्यूड का बैचेस चल रहे हैं और आपके पीसीएस के बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं तो ये सारे हमारे कोर्सेज थे थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे